conductivity, melting point, hardness, and sonority. ठीक है, ये नेचर में लश्चर होते हैं, नॉट लश्चर मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये हार्ड होते हैं, एंड सोरनिटी मतलब ये जब एक दूसरे से टकराते हैं तो कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हार्डनेस होते हैं मतलब हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, मैलिएबल भी होते हैं, लस्टर भी होते हैं. एंड ऑल्सो लस्टर. अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स के बारे में. Generally do not have luster. They have dull appearance. Such exceptions like graphite, diamond, and iodine have luster sign. कुछ non-metals ऐसे होते जो electricity conduct करते भी हैं और कुछ non-metals तो जो नहीं करते हैं. ठीक है, ये luster होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ malleable होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. Non-metals are non-malleable. That is, they cannot be broken into thin sheets. ये थिन सीट में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते. ठीक है, मेलिबिलिटी का मतलब होता है उसको वो मेलिएबल करने के बाद उसको एक थिन सीट में कन्वर्ट करना, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो थिन सीट में कन्वर्ट नहीं. डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. डक्टिलिटी मतलब होता है एक इसको एक थिन सीट में फॉर्म करना और इसको एक वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना, बट ये वायर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए जाते, ये नॉन डक्टाइल होते हैं. कंडक्टिविटी, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है. सॉफ्ट, ये हार्ड नहीं होते हैं. ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं. एंड सोनोरेटिंग, ये नॉन सोनोरस होते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स.